छत्तीस दिवसीय फाग महोत्सव का द्वारिकाधीश मंदिर में हुआ शुभारंभ। प्रतिदिन चलेगा होली महोत्सव। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 दिन से होली का महोत्सव का ब्रज भाग द्वारकेश रसिया मंडल के द्वारा द्वारिकाधीश मंदिर में शुभारंभ हो गया है, जहां ढोल मजीरों की ताल पर रसिया गायन शुरू किया गया। आपको बता दें कि ब्रज में होली का अलग ही महत्व है। दूर दराज से यहां लाखों भक्त अपने आराध्य के संग होली खेलने के लिए आते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अनेक आयोजन द्वारिकाधीश मंदिर में किए जाएंगे, जो कि 31 दिन तक चलेगा, जिसका आज रसिया गायन के साथ शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगाड़ों को हल्दी लगाई गई एवं शुरुआत की गई। इस मौके पर भी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। बताइए, आज जो आपके नगाड़े पे जो हल्दी लगाई जा रही है, क्या रस्म है आज? ये होली पे धप बोला जाता है, ये राजा दराज द्वारकाधीश जी का धप है। हमारा ब्रजभाग द्वार के रसिया मंडल यहाँ 31 दिवसीय होली का महोत्सव मनाता है। उसमें कल 81 का दिन था, उस दिन हमारे यहाँ ध्वजारोपण हो गया। जैसे बैनर बच्चे लगे हुए हैं, सारे मंदिर में बैनरें लगती हैं। आज त्रयोदशी है, तेरस है, आज हमारे यहाँ ढप का पूजन होता है और ढप पे हल्दी और घी लगाया जाता है, उससे इसको हल्दात बोलते हैं। ब्रजभाग द्वार के रसिया मंडल के संरक्षक आपको चुन्नीलाल चतुर्वेदी आरती वाले इस विषय को बतला रहे हैं। आगे की कथा, हमारे यहाँ 6 तारीख से ढप बजेगा, 5 तारीख से होली का डाणा गाड़ा जाता है, जो हमारे मंदिर की परंपरा है। अगर वो राजभोग में गाड़ते हैं 10 बजे, तो हम लोग 10 बजे से बजाना शुरू कर देते हैं। अगर वो शाम को सेन में हमारे भट्टी जी पूजन कराते हैं और हम लोगों को बुलौआ देने नीचे चौराहे पे डाणा गाड़ते हैं होली का, तो हम दूसरे दिन से करते हैं। तो यहाँ 5 तारीख को पूर्णमासी मानी गई है, पूर्णमासी के दिन शाम को होली का डाणा नक्षत्र के हिसाब से गाड़ा जाता है। तो हम लोग 7 फरवरी से सुबह 10 बजे से 11 बजे तक राजभोग के दर्शन में नित्य प्रति होली के रसिया रंगे चंगे, जो आपको सुनाई नहीं पड़ते हैं, पूरे ब्रज के प्रसिद्ध रसियाएं गाते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समापन हुआ। अब होली शुरू तो हुई गई है। अरे श्यामा श्याम चलोनी मूरत को सिंगार बसंती है, श्यामा श्याम चलो सूरत को सिंगार बसंती है, बसंती है, अरे सिंगार बसंती है, श्यामा श्याम चलोनी मूरत को सिंगार बसंती है। ऐसे पहले बसंत आती है तो बसंत का ही भजन भगवान को सुनाया जाता है। ये सब पब्लिक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और ऑल का बटन दबाना ना भूलें।